फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू खत्री ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सेफ होंगे। यस तो आज है सैटरडे, इनका ऑफ है, तो आज ये कुछ बोल रहे थे कि ये कुछ बनाएंगे आज। एक्चुअल में मैं इंस्टाग्राम पे कुछ देख रही थी खाने की वीडियो, तो इन्होंने बोला कि इतना डिफिकल्ट नहीं है, मैं भी बना सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, फिर आप एक काम करो, आज आप बना दो। यस तो ये कह रहे कि आज मैं बनाऊंगा। मैं कचौरी बना दूंगा आज, बताओ। मेरा भी हमने वही देखा था, नहीं तूने बोला कि कचौरी बनाना थोड़ा सा बहुत ही मुश्किल है, दिखने में आसान है, तो मैंने बोला मैं बना दूंगा कचौरी। तो देखते हैं जी कैसी कचौरी बनाएंगे। तो व्लॉग स्टार्ट होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। और मेरी बहुत सारी वीडियोस को आप बहुत सारा प्यार दे रहे हो, सब्सक्राइब भी कर रहे हो, तो उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच से थैंक यू। थैंक यू। तो आज ही कचौड़ी बनाएंगे, तो देखते हैं कि कैसी कचौड़ी बनाते हैं। पहले तो इन्होंने सोचा कि बोल तो दिया मैंने इजी है, फिर कह रहे उसके लिए मैदा चाहिए, तो मैंने कहा मैदा तो है तो आप बना दो। तो यस यस फ्रेंड्स, आज मैं बना के दिखाता हूँ आपको कि कचौरी बना सकता हूँ मम्मा मैं, नहीं बना सकता। मैंने कभी मम्मा नहीं करी है कुकिंग, ना मैंने मम्मा, आज तक कुछ बनाया है। इनको मैगी भी बनानी नहीं आती, जो कि कुछ नहीं करना, नूडल्स निकालने और उसमें अरे डालने, नहीं चाहे तो नहीं बना देते नहीं हैं। नहीं 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 आती नहीं आती नहीं आती है मैगी तो नहीं आती है यार। नहीं आती, आती, अरे चाय चाय बना ले। आज इन्होंने सुबह चाय बनाई, इतनी गंदी चाय थी। मैंने इनसे पूछा, मैं कितनी सुबह ऐसी चाय पिलाती हूँ? अच्छी ना चाय तो है। उसमें अदरक थी, ना उसमें इलायची थी, ना उसमें लौंग था, कुछ भी नहीं था उसमें, उस चाय में। इवन उस चाय में दूध भी बहुत कम था। दूध तो चलो चल जाता है, दूध ऐसे क्या कैसे चल जाता है यार। यार उसमें पता दूध। ही इन्होंने नहीं क्या नहीं करा, 2 कप चाय बनानी थी, मम्मी जी है नहीं है, मम्मी जी गए हुए गाँव में। मैंने इनको बोला, मैंने कहा चाय बना दो, मैंने कहा बना दो। कि इन्होंने क्या करा, 2 कप चाय बनानी थी, पहले ही इन्होंने पानी ही 2.5 कप चढ़ा रखा। तो ठीक है क्या ना, जलेगा पानी फिर, एक बात बताओ। कह रहे अभी तो ये उबलेगी। मासी मम्मा नो मासी, कमेंट्स नो कमेंट्स। तो देखते हैं कचौड़ी में कैसे बनाते हैं, बट मैं बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगी। पक्का देखो ये श्योर है फ्रेंड्स, मेरी हेल्प कोई नहीं मैं करेगा। नहीं फ्रेंड्स मैं करूंगी। बता देता हूँ मैं क्या क्या चाहिए मेरे को। मेरे को चाहिए आलू, मेरे को चाहिए मटर, मेरे को चाहिए प्याज, नहीं रुको ठीक है, हंसना नहीं है इसमें, ओके लहसुन। ओके। ठीक है, तो मैं आपको खिलाने वाला हूँ मटर आलू प्याज और लहसुन की कचौरी, जिसकी मैं स्टफिंग डालूंगा अंदर। अब अच्छा बाहर हमें जो चाहिए उसके लिए हमें चाहिए मीठा सोडा और क्या होता है फ्रेंड्स, अच्छा ये जो मेन मैदा मैदा मैदा, अच्छा ठीक है। नमक, नमक भी चाहिए भाई, सॉल्ट मिलाना ओ पड़ेगा ना। सबसे लास्ट में यार डलेगा नमक, इन्होंने फिलिंग कर दी है, नमक नहीं डलेगा फिल सबसे फिलिंग लास्ट नहीं में। करी है अभी फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूँ क्या क्या चाहिए। और चाहिए मेरे को जीरा जो कि उसमें डालेंगे और अजवाइन, अच्छा ठीक है, दैट्स इट, बाकी तो हमारी बन गई फ्रेंड्स। देखो और ऑयल, ऑयल भी चाहिए भाई फ्राई करना। ठीक है, हम सामान दे देते हैं इनको और आज देखते हैं कि कैसी कचौड़ी बनती है। और जो ये लाइट आ रही है ना, ये छुट्टी वाले दिन सारे कर्टेन्स हटा देते हैं पूरे घर के, जो थोड़ी भी सी लाइट भी आनी चाहिए ना। पूरा वो खोल देते हैं, पूरा वो खोल देते हैं और वो कर देते हैं ये। तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं, आज कचौड़ी ही खाएंगे हम, क्योंकि कल से हम मेरी बनाई खीर खा रहे हैं, आज तक बची हुई है। कचौरी ये देखिए, आज का है कचौरी डे, और कचौरी ये के साथ देखिए चटनी मिलेगी सर? हरी चटनी सॉस के साथ खा लेना ना। ओके, हरी चटनी मैं बना दूंगी, ठीक है, ठीक बट है कचौड़ी आज यही बनाएंगे। ये देखो भाई, ये बना रहे थे आज कचौड़ी और ये बैठ गए कम्बल में। कैसे कचौड़ी बनाओगे? ऐसे वो थक गए ना, थोड़े से थोड़ी देर अच्छा में। बेटा, मैं नहीं थकती, पूरा दिन काम करके पापा ने कुछ नहीं करा, पापा थक गए। काम करते हो टाइम सुबह चलो उठ सुबह। जाओ। चलो भाई चलो, पापा बैठ, चुप जाओ, मैं बैठो। नहीं नहीं बैठना नहीं है भाई, आज कचौरी खिलाऊंगा। फ्रेंड्स ये देखिए, तो मैं जब तक नहा के आती हूँ, मैंने इनको बोला है जब तक आप एक काम करो, कचौड़ी की जो फिलिंग है वो रेडी कर लो, आटा मैं लगा दूंगी आके। ये आटा भी आप ही लगाओगे आज? तो आटा भी यही लगाएंगे आज। मैं नहा के आ रही हूँ तब तक। बस ये बताओ कि मैं आलू कितने चाहिए, ये नारियल खराब हो जाएंगे। नारियल आज पी लेंगे, आप कचौड़ी से नहीं बच सकते आज। सबसे पहले क्वेश्चन इनका क्या है, कितने आलू डालेंगे? अरे कितने आलू डलेंगे? और इन्होंने क्या कहा था कि मुझे हेल्प की जरूरत नहीं है, ये हेल्प थोड़ी है, ये तो बताना हेल्प ही है है ये कि भी। कहीं ज्यादा बना। और मैं बता देती हूँ, ये आलू थोड़े से ज्यादा हैं फिलिंग के लिए, आपको अरे दो सिर्फ कचौड़ी थोड़ी बनाने वाला हूं मैं, फिलिंग बहुत कम डलती है उसमें। इन्होंने ऐसा है। इतने सारे आलू वैसे ले लिए, और ये लहसुन भी डालने वाले हैं उसमें, और प्याज ले लिए इन्होंने, और अभी पता नहीं क्या निकालने गए। क्या निकाल रहे हो? ग्रीन एप्पल था प्लीज। अच्छा, एक और जो है वो ऐड हो गया है, टमाटर।
तो जैसे जैसे ले लेते हैं दो तगड़ा कुछ बनाने वाले हो आज आप। धनिया हमारे पास है, ये इन्होंने निकाल लिए यहाँ पे मटर, हरा धनिया। जब तक मैं नहा के आ रही हूँ ठीक है, तो रिकॉर्ड कर लेना आप क्या क्या कैसे बना रहे हो। नहीं मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। ये स्पेशल रेसिपी है। अच्छा शेयर नहीं करनी है। हाँ, दिखाना नहीं मैंने किसी को कैसे बनाई है। लास्ट में जाके मार्केट से खरीद के ला के चुके चौड़ी हर रेडी। तो देख लो ये इन्होंने रियलिटी बता दी है कि ये कचौड़ी मार्केट से लाने वाले हैं। नहीं फ्रेंड्स मैं देखो अभी मैं दिखाता हूँ, मैं ना छील रहा हूँ। और ये देखो ये मैंने अमेजोन से मंगवाया है, अभी मैं किचन भी डेकोरेट करूंगी तो उसका वीडियो भी आएगा आगे। आज कुछ अजीब बनने वाला है। मैंने बोला, मैंने कहा आलू उबाल लो पहले, लहसुन छीलने से पहले, तो ये कह रहे हैं कि प्याज भी तो उसी के साथ उबाल ले। क्या बना अब आपने मेरे को परेशान कर दिया। देखो मैं नहीं परेशान, छोड़ो यार मैं जो बना रहा हूँ ना मेरे को बनाने दो। अच्छा ये मैं ऑन कैमरा ही बता रही हूँ, ये जो भी यहाँ किचन में फैलाएंगे साफ भी फिर ये करेंगे। मतलब यार आलू के साथ प्याज कौन उबाल फिलिंग के लिए। मुझे लग रहा है मुझे ही बनानी पड़ेगी लास्ट पे ना, तो मैं नहा ली हूँ। और ये देखो इन्होंने क्या करा है, मैंने आपको इधर से लाइट आ रही है, मैं इधर से दिखाती हूँ। दिखाओ जी, इधर से दिखाओ। क्या करा आपने? मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं, मैं छील जो कि मैं इनको बोल के गई थी कि इतने रखने हैं, छीले नहीं अभी भी, मतलब छील रहे अभी अभी। टाइम लंच का टाइम तो हो गया है यार, मैं एक्सपर्ट थोड़ी हूँ, देखो जो ठीक है धीरे धीरे करके कुछ तो कर। और दिखाओ और क्या करा आपने? मैंने मटर, धनिया, अच्छा धनिया भी आपने इसी में कर लिया, चॉप कर दिया। देखो इसमें इन्होंने मटर कितना अच्छा काटा मैंने, देखो चॉप करा ये चॉपर में इन्होंने, एक्चुअली काटा नहीं है, पागलों नहीं बनाना जनता को। ठीक है इन्होंने मटर और हरा धनिया और प्याज और मिर्च ये कर लिए चॉप, और अभी अच्छा लहसुन भी चॉप करा आपने। यस चॉप, लहसुन भी चॉप करा, देखो पता भी नहीं चल रहा, देखो देखो कितना बढ़िया काम करता हूं। तो अब ये डेली यही बनाया करेंगे लंच। ऑफिस इनका 3 बजे स्टार्ट होता है। ओहो ये सबको बताने की जरूरत नहीं है ना कि 3 बजे स्टार्ट होता है, सुबह से ही शुरू हो जाते हैं हम काम करना। सुबह आपकी ट्रेनिंग होती है ना, वो तो जब होती है नहीं तो 3 बजे स्टार्ट होता है ऑफिस। ठीक है और अभी ये मेरे से कुछ पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे, क्या कह रहे थे आप मेरे को क्या करना है? सिर्फ मैं ये कह रहा था कि जी देखो फिर मैं लगा लूंगा उसको, क्या भी मैदे का वो भी मैं लगा लूंगा। क्या लगाना है? मैदे का वो लगा लेंगे आटा। अच्छा ठीक है, मैं उसी से कचौरियां बनाएंगे अपनी, गूंथ लेंगे। हाँ जो भी लगा लो है वो ही लगा लेंगे। और उसके अलावा क्या, थोड़ा सा नमक डाल देना। नमक इन्होंने नहीं अभी ये बोल रहे हैं, इन्होंने बोला था मसाला आप एक बार फिलिंग रेडी कर देना, तो ये कचौड़ी अकेले नहीं बना रहे, मैं भी बना रही हूँ साथ में। नहीं नहीं ऐसे मत बोलो यार, क्रेडिट मत लो मेरा। नहीं क्रेडिट लेने वाली कौन सी बात है, कितनी मसाला नहीं, आलू मैंने बता दिया कितना चढ़ा दो, प्याज काट लो और नमक मैं डाल दूंगी, तो अब बताना कि बना कौन रहा है। नमक तो थोड़ा सा ऐसा है ना कि ज्यादा हो जाए फिर खाओगे भी नहीं, खराब हो जाएगी। तुम खा लेंगे, अब जैसे भी बना दो। मैं तो आज सोच रही थी कि मैं काम करता नमक डालता ही नहीं हूँ मैं। ठीक है ऊपर से डाल लेना नमक। और ये देखिए आलू भी मैं ही मैश कर रही हूँ। अरे ये मेरे से लेके मत मैश करो, मैं आपसे ये इनसे हो रही है। ये तेल भी मैंने ही चढ़ाया यहाँ पे यार, इतना तो थोड़ी बहुत हेल्प बनती है ना। क्या नहीं, जब मैं बनाती हूँ जब कोई हेल्प करता है। आप एक्सपर्ट हो ना। अच्छा। नहीं मैं बिगिनर हूँ। अच्छा नहीं मैं हेल्प करूँगा ना आपकी। फिलिंग मैंने कर दी है रेडी। फिलिंग आटा लगा रहा हूँ। आटा लगा रहे हैं ये, आटा नहीं है जी मैदा है, जो मतलब मैदा भी तो आटा ही होता है। हाँ होता है लेकिन और इसमें इन्होंने डाला है जीरा। जीरा तो आई डोंट नो कैसा टेस्ट आने वाला है, मैं तो कभी भी कचौड़ी बनाती हूँ उसमें जीरा नहीं डालती हूँ, नॉर्मल आटा लगाती हूँ, बट आज शेफ कुछ और ही बनाने वाले हैं। शेफ ये मेरे पापा है। कुछ तगड़ा ही बनने वाला आज। ये माय रेसिपी है जी। आटा लगा लिया, देखो मैंने आटा लगा लिया, अभी ये बना रहे हैं कचौड़ी, चलो स्टार्ट। और इवन चटनी भी मैंने बनाई है। अरे कोई नहीं। कह रहे
काम करना पड़ेगा। मैं करूं? ये बन के बने बनती कैसे? ये तो चुप चुप सी हो गई अंदर से। ये देखो ये कर दिया, बना दी कचौड़ी देखो। नहीं बनी नहीं अभी। ये ऐसे बनेगी भी नहीं, ये आपने गलत बनाई है। अरे गलत बनाई है, मैं देखो आप ये मैदा खराब कर रहे हो। दो ये पकड़ो, कैमरा पकड़ो आप, मैं बना के दिखाती हूँ। और आपने इस पे गिले हाथ लगाए हैं, डोंट नो क्या लगाया। तो ये तो मैं नहीं बनाऊंगी, ये वाला तो मैं नहीं बनाऊंगी। ओहो अच्छा, ये थोड़ा सा ज्यादा लेना है, मैंने कम लिया है। ज्यादा और कम का तो आई थिंक कुछ नहीं है, बट इस पे ऐसे थोड़ा सा लगा लो, बेलन से थोड़ा सा बढ़ा लो, कर लेते हैं। और देखो इतना सा ऐसे भरा, यही बनाऊंगी मैं लास्ट। ठीक, इसमें इतना सा लेके और जो ये है इसको ऐसे समोसा बनाना है। नहीं इतनी स्टफिंग डाल देंगे तो फट नहीं जाएगी? ये मोदक बन गया है। मोदक नहीं बना, इसकी बनेगी कचौरी। और जो ऊपर का है इसको ऐसे तोड़ के और बस सिर्फ ऐसे कर दो हाथ से। चलो जी देखिए हम डालें हमारी कचौरी। अब आज को रखना है सिम पे, मतलब लो टू मीडियम, ठीक है। उस पे अभी इसको बनने देंगे जब तक, और रेडी कर लेते हैं हम। मेरी कचौड़ी बन रही है, ये मेरे वाली थी देखो, इनके वाली तो ये वाली कचौड़ी है देखो। अरे इसको मैं कर दूंगा, घबराओ देखो इन्होंने क्या करा। देखो यार ऐसे मत बोलो यार, फिलिंग तो इसमें कम है आपने, बट ये करा क्या? कम लिया था मैंने आटा। चलो एक बार मैं डाल लेता हूं। ये मेरी कचौड़ी है, ये मैंने बनाई है, ये भी मैंने बनाई है, ये देखो। सिर्फ आलू उबाले आटा लगाया बस। कितने एफर्ट लगते हैं देखो, आप कहोगे कि वो उसके अंदर से। अच्छा ठीक है, दिल रखने के लिए बोल देती हूँ, आपने बनाई है हो गया। ठीक है ये खाने के लिए पहले रेडी हो गई है। और इन कचौड़ियां बन गई है, अभी मैं निकाल ही लेती हूँ क्योंकि इसके अंदर का जो भी है स्टफिंग बाहर आ रही है। वैसे हमने बनाई यार, मुंह में पानी आ रहा है, मुंह में पानी आ रहा है। खाना मत कर, मैंने भी खानी है। हाँ? वाओ आ जाओ फिर। मेरी दो एक और कचौड़ियां हमारी बन गई है, दो नहीं अभी एक एक मिलेगी। तो चलिए अभी डाइनिंग टेबल पे चलते हैं और खाते हैं कचौड़ियां और बनाते हैं कि बताते हैं कि कैसे बनी है। और ये देखो ये जानबूझ के अभी दिखा रहे हैं कि मैं काम कर रहा था। अरे चटनी लेके आया था बना के, देखो। और ये देखो हमारी चटनी, मुंह में पानी आ रहा है मेरे तो। वाओ। और ये देखो ये हमारा, इसको उठा दो मिरर को। सुने बस एक एक गरम है, गरम है, बहुत गरम है, सबर नहीं हो रहा इससे। तो ये बताएंगे अभी खा के कि मैंने कैसी कचौड़ियां बनाई है। तो फिर आपको ये बोलना चाहिए कि आप खा के बताओ कि मैंने कैसी कचौड़ियां बनाई है। नहीं अभी खाओ, एक बार खाओ खाओ। पत्थर जैसे बन गई है ये देखो। नहीं पत्थर जैसी नहीं है, एक्चुअली मैं आराम से तोड़ रहा हूं, स्टफिंग ही बाहर आ जाए। दिख रहा है ये देखो, बहुत ही वो बनी है, करारी करारी सी। खा के बताओ, मुंह में पानी आ गए इनके भी। मैं ज्यादा मुंह में पानी आ रहा है, मैं भी खा लेती हूं। ये वो हो गई, तो कच्ची कैसे रहेगी? ओहो गरम है, सब्र नहीं हो रहा, गर्म तो बहुत ज्यादा है। निकल तो बात नहीं हो रहा किसी से, गरम गरम है, मुंह फूक रहा है फिर भी। हाथ जल गया कैसे भी नहीं पापा ने ठीक, हाथ जल गया।
ठंडी करो ना, देखो किसी से सबर नहीं हो रहा। ये भी गरम गरम खा रहे हैं, बनी बहुत ही टेस्टी बनी है। हाँ, बहुत अच्छी स्टफिंग बहुत ही ज्यादा, और चटनी भी बहुत अच्छी बनी है। और फ्रेंड्स आपको पता है हथौड़ा वाला मेरा वाला है। इवन जीरे का भी टेस्ट आ रहा है, अच्छा अच्छा सा है ना। दादा हमें टॉपी निकल गई, टॉपी निकल गया, जल गया मेरा हाथ। मैं नहीं जला, गरम है बहुत ज्यादा ये, मेरा ठंडा हो गया ये। फ्रेंड्स देखिए सच में बहुत ही टेस्टी बनी है। आ जाओ जिस जिसको खाना है आ जाओ इधर, हमारा रास्ता है 21 है, एड्रेस नहीं बताते। सच में बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही टेस्टी। देखो इतनी जल्दी लगी हुई थी कि चटनी भी गिर गई कपड़ों पे। हो जाता है बच्चों के साथ, ऐसा हो जाता है। अब बच्चे नहीं हूँ, बच्ची हूँ मैं। उसको खाने